दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी को विकास के नाम पर दिल्ली वासियों ने खुलकर वोट किया और 70 में से 62 सीटों पर विजयी बनाया। वहीं भाजपा केवल 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। भाजपा ने इस चुनाव को हिंदूवादी और ध्रुवीकरण की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर जनता ने इसका जवाब भाजपा को दे दिया। भाजपा श्रीराम के भरोसे ही बैठी रही, पर श्रीराम अपने सच्चे भक्तों के साथ चल दिए। हिंदू धर्म में मानते हैं कि पूरी दुनिया भगवान राम के वश में होती है, लेकिन स्वयं भगवान भक्तों के वश में होते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जय श्री राम का जयकारा लगाने वाली भाजपा की विशाल सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि चुनाव में हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर रण में उतरे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाब रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने वाले केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले ये कारनामा केवल शीला दीक्षित के नाम था। भाजपा के पास इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सहित 4-4 मुख्यमंत्री, दर्जनों केंद्र मंत्री और 240 सांसदों की विशालकाय फौज थी, तो अरविंद केजरीवाल के पास अपनी छोटी सी टीम और दिल्ली की जनता के लिए किए गए कुछ कामों का ही सहारा था। लेकिन इस चुनाव में हनुमान भक्तों की छोटी सी टोली दिग्गजों की टीम पर भारी पड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अमित शाह भले ही चौंकाने वाले नतीजों की बात करते रहे हों और मनोज तिवारी को छठी इंद्रिय बता रही हो कि उनकी पार्टी जीत रही है, जनता ने फैसला सुना दिया। यह फैसला चौंकाने वाला इस मामले में जरूर था कि जितनी बड़ी जीत की संभावना थी, आम आदमी पार्टी को उससे बड़ी जीत मिली है। आइए जानते हैं कि इस जीत के पीछे क्या वजह रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्यों हारी, आइए जानते हैं इसके मुख्य बड़े कारण। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी ने इस पूरे चुनाव को अरविंद केजरीवाल बनाम बीजेपी कर दिया। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के तर्ज पर उन्होंने ऐसा किया और पार्टी का प्रचार अभियान इनके इर्द गिर्द घूमने लगा। बीजेपी इस जाल में फंस गई और केजरीवाल पर निजी निशाने साधने तेज कर दिए। इसी नीति के तहत मुख्यमंत्री को आतंकवादी तक कहा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जैसे जैसे निजी निशाने होते गए, आम आदमी पार्टी को लोगों की सहानुभूति मिलती गई। दूसरी ओर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया और उसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दी। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि वह अरविंद केजरीवाल से बहस करे। बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट ही रही, इसके पास कोई जवाब नहीं था। आम आदमी पार्टी ने 2017 में नगर निगम के चुनाव हारने के बाद ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। बीजेपी ने इसमें बहुत देरी कर दी। इस पार्टी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इस पर काम शुरू किया। इस मामले में आम आदमी पार्टी बीजेपी से बहुत आगे थी और काफी तैयार थी। आम आदमी पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सरकार की 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पानी की योजना को सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण माना जा रहा है। महिलाओं के लिए DTC बसों में मुफ्त सफर और दिल्ली के प्राइवेट शिक्षा माफियाओं पर नकेल लगाना अरविंद केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। महिलाओं यानी आधी आबादी में संकेत गया कि पार्टी उनके साथ है। दूसरे गरीबों को पहले से मिल रही छूटों में और बढ़ोतरी हुई, इससे पार्टी की गरीब हितैषी छवि और मजबूत हुई। इन्हीं योजनाओं के चलते आम आदमी पार्टी सत्ता में लगातार वापसी करने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी महिलाओं के बीच अधिक लोकप्रिय हुई और महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट इस दल को दिए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने भी अपने एग्जिट पोल में पाया कि यदि 53% पुरुष मतदाता आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो 59% महिलाएं उसे वोट देंगी। यह 6% अधिक वोट बहुत कारगर साबित हुआ। CCTV कैमरा लगाने से महिलाओं में यह संकेत गया कि यह पार्टी उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कुल मिलाकर पार्टी की छवि महिलाओं का ख्याल रखने वालों की बन गई। अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमानों में एक मुश्त वोट देने की प्रवृत्ति रही है। इस बार बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया, वे बहुत ही खफा थे। नागरिकता संशोधन कानून और साइन बाग जैसे मुद्दे तो थे ही,
कुल मिलाकर यह स्थिति बनी कि किसी भी सूरत में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। मुसलमान कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, पर इस बार कांग्रेस को मिलने वाला वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुस्लिमों को लगा कि बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करना जरूरी है। इस काम के लिए यह कांग्रेस के मुकाबले अधिक सक्षम है। मुसलमान सिर्फ 14% वोटर हैं, पर उनका एक जगह वोट पड़ना भी अहम कारण साबित हुआ। बीजेपी का बहुत ही अधिक नकारात्मक प्रचार अभियान उनके खिलाफ गया। उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया और जिस तरह सांप्रदायिक और उत्तेजक बयान दिए, उससे मध्य वर्ग का मतदाता नाराज हो गया। गोली मारो जैसे नारे, बिरयानी, पाकिस्तान और सबसे बढ़कर आतंकवादी केजरीवाल जैसे मुद्दे को लोग पचा नहीं पाए। कहा जा सकता है कि यह बूमरैंग कर गया, यानी उल्टे बीजेपी को ही भारी पड़ गया, उसे ही नुकसान हुआ। अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी के जुमलेबाजी पर भारी पड़ा। केजरीवाल ने जिस तरह हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाया और हनुमान मंदिर जाकर दर्शन किए, उससे उन्हें जानने वाले लोग भी चौंके। यह केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति से कहीं मेल नहीं खाता है और उनके लिए बिल्कुल नई बात थी, पर इसने बीजेपी के हिंदुत्व की हवा निकाल दी। बीजेपी जिस आधार पर हिंदुओं को आकर्षित करना चाहती थी, केजरीवाल ने उसमें भी सेंध लगा दी। इससे यह भी साफ हो गया कि हिंदू सिर्फ बीजेपी की संपत्ति नहीं है, ना हिंदुत्व पर बीजेपी की कॉपीराइट है। बीजेपी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई। लोकसभा चुनाव की वजह से उसमें यह आत्मविश्वास आ गया। उसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में संशोधन किया, 3 तलाक अधिनियम पारित कराया, नागरिकता संशोधन कानून और NRC ले आई। नागरिकता कानून के अलावा किसी पर जोरदार विरोध नहीं हुआ। इससे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि वह अपराज्य तो है ही, उसका कारगर विरोध भी नहीं होता है। सत्तारूढ़ दल को लगा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वजह से ही वह नागरिकता कानून पर अड़ गई और शाहीन बाग पर एक के बाद एक लगातार निशाने साधती रही। यह उसे महंगा पड़ा। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।